Hello everyone. I hope everyone is preparing for his or her examinations. जो आज का ये प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद है, इट्स ओनली टू गिव यू पीपल गाइडलाइंस रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ पेपर. आपका पेपर कैसे आएगा, क्या क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाएँ, और आपका आपका जो थेरी का पेपर होगा वो कैसे होगा, जो आपके ट्यूटोरियल्स का एग्जामिनेशन होगा वो कैसे कंडक्ट किया जाएगा. तो कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया, सर हम लोग को पता नहीं है कैसे पेपर आएगा और थेरी का क्या होगा, ट्यूटोरियल्स का क्या होगा. तो मैंने ये जो वीडियो बनाया आपके लिए, द एम इज़ टू मेक यू पीपल फैमिलियर फॉर दैट. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थेरी के बारे में. आई होप कि एवरीवन हैज़ ए कॉपी ऑफ द सिलेबस एट हिज और हर होम, बट स्टिल मैंने यहाँ पे सिलेबस दिया है. ये आपकी थेरी का सिलेबस है जिसका आपका जिसके लिए आपको एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट किया जाएगा. और ये जो थेरी का पेपर होगा, दिस विल बी ऑफ 60 मिनट्स ड्यूरेशन. एक घंटा मिलेगा आप लोग को ये पेपर करने के लिए. जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे इस पेपर के लिए, दैट्स फ्रॉम द 30 में से आपको इस पेपर के लिए मार्क्स मिलेंगे. और मिनिमम मार्क्स जो पास करने के लिए आपको लाने होंगे, दैट्स 12. 30 में से आपको 12 मार्क्स लाने. उससे पहले पेपर का पैटर्न डिस्कस करने से पहले, आई विल गिव यू सम पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं पेपर राइटिंग करते वक्त या पेपर से पहले, जिससे आप ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाओगे. सो सबसे पहले, योर हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल. आपकी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. आपकी हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव टू द इवेलुएटर. जो आपका पेपर देखेगा उसको अट्रैक्टिव लगनी चाहिए. और ऐसी हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लिखते जा रहे हो एंड योर हैंड राइटिंग इज़ नॉट रीडेबल, वो कोई पढ़ नहीं पाता है. और आप फिर बोलते हो कि सर हमने सारा लिखा था बट हमें फुल मार्क्स नहीं मिले. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर हैंड राइटिंग. इसीलिए ट्राई टू फोकस ऑन योर हैंड राइटिंग और राइटिंग स्किल्स जिसको हम बोलते हैं. योर हैंड राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. नंबर सेकेंड इज राइट योर डिटेल्स प्रॉपरली एंड क्रॉस चेकिंग. कभी कभी क्या हो जाता है कि आप अपना रोल नंबर गलत लिखते हो, आप अपना जो सब्जेक्ट का नाम है वो गलत लिखते हो, डेट गलत लिखते हो. इसीलिए इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है. यू हैव टू राइट द डिटेल्स वेरी प्रॉपरली एंड उसके बाद उसको क्रॉस चेक करना है कि हमने सही लिखा है कि गलत लिखा है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है. खाली वही लिखना है जो कि क्वेश्चन पूछता है. कभी कभी आप ऐसा लिखते हो कि आप बोलते हो कि हम पेजेस फिलअप करते जाएंगे हमको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू राइट टू द पॉइंट एंड यू हैव टू अवॉइड द जैगरॉन. आप लोगों को जो क्वेश्चन डिमांड नहीं करता है वो चीज़ें नहीं लिखनी है. खाली वही लिखना है जो क्वेश्चन डिमांड करता है आप लोगों को, और उधर इधर की बातें नहीं लिखनी है उसमें. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट. आप लोगों को देखना है कि हम लोग टाइम कैसे मैनेज कर पाए ताकि हम ये जो पेपर है हमारे एक घंटे का, इस एक घंटे के टाइम फ्रेम में आवर पेपर शुड बी कंप्लीटेड. कभी कभी आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखते जा रहे हो एंड यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन दैट वेरी क्वेश्चन. उसके बाद आपको बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलता है. दैट्स वाई कि आप उन पर रश करते हो, फिर उन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लिखते हो और आपकी हैंड राइटिंग भी ख़राब हो जाती है और वो क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं. सो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे पेपर राइटिंग, यू हैव टू मेक ए टाइम मैनेजमेंट प्लान कि इस ये क्वेश्चन मुझे पहले ख़त्म करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन करना है, इतने टाइम में. सो कीप एन आई ऑन द टाइम. कॉन्स्ट्रक्ट कंप्लीट सेंटेंसेस. सेंटेंस बना प्रॉपरली बनाना है. सेंटेंस को अधूरा नहीं छोड़ना है, सेंटेंस को हाफ नहीं लिखना है, या सेंटेंस को ऐसे डिवाइड नहीं करना चाहिए कि वो गलत मीनिंग दे दे फिर. इसीलिए सेंटेंस बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं. सो यू कीप एन आई ऑन कंस्ट्रक्टिंग द कंप्लीट सेंटेंसेस एंड डिवाइड योर आंसर्स इन पैराग्राफ्स एंड पॉइंट्स वेर एवर पॉसिबल. जो आपके आंसर्स हैं अगर आप पैराग्राफ्स में डिवाइड करोगे या
बेटर होता है अगर आप पॉइंट्स में डिवाइड करोगे, सो दैट यू कैन राइट इट प्रॉपरली। अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे या पैराग्राफ्स में लिखोगे, उससे आपका आंसर अट्रैक्टिव भी बन जाएगा और आपका आंसर इवेल्युएटर को पढ़ने के लिए इजी भी होगा, एंड यू विल गेन द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ दैट। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कहीं कहीं किसी जगह पे, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप उस पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हो ताकि इवेलुएटर की नज़र उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे पड़ जाए और वो देखिएगा आपने कितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उसमें। अगर आप पहले से अंडरलाइन करते हो उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो उससे आप कुछ बोनस पॉइंट्स सिक्योर कर पाओगे। एंड मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट एंड एडिक्वेट स्पेसिंग। कभी कभी आप क्या करते हो कि आंसर का कि पहली लाइन आप कॉर्नर से शुरू करते हो, फिर इधर जाते हो दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ जाते हो, कभी फिर से दाईं तरफ जाते हो। ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू मेंटेन द अलाइनमेंट। एक स्ट्रेट लाइन बेटर रहता है। अगर आप एक स्केल लेके जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, फिर एक लाइन मारोगे अपनी लेफ्ट साइड, जो आंसर शीट होगा लेफ्ट साइड में, उससे आपका क्या होता है कि एक प्रॉपर अलाइनमेंट बन जाता है। आप अगर दोनों तरफ से भी लाइन मारते हो आंसर शीट में स्केल से, स्केल अपने आप अपने साथ रखोगे आप, तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट बनता है। उससे क्या होता है, जो पेपर आपका आंसर शीट की ब्यूटी होती है वो ब्यूटीफुल बन जाता है आपका आंसर शीट, और आपकी राइटिंग भी उससे इम्प्रूव हो जाती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान ध्यान रखिएगा। डो नॉट यूज़ एब्रिवेटेड लैंग्वेज। आपको एब्रिवेशंस यूज़ नहीं करनी है। अगर आप एब्रिवेशंस यूज़ करते हो तो उन एब्रिवेशंस की फुल फॉर्म भी साथ साथ में लिखते जाना है। कभी ऐसा होता है कि आप जो SMS फॉर्मेट में लिखते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, जैसे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हो या SMS में फ़ोन पे टेक्स्ट करते हो, ऐसे उस टाइप की लैंग्वेज यूज़ करते हो और आपके मार्क्स उससे कट जाते हैं। उस टाइप की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। और आपको एब्रिवेशंस अगर कहीं पर यूज़ करते हो तो उनकी फुल फॉर्म साथ साथ में लिखनी जाती है। अगर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका जो क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट ऑल लिखा होगा ये सारे क्वेश्चंस करने, और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा, आपको सारे क्वेश्चंस करने उसमें बट आपको आंसर पता नहीं है, तो आप क्या करते हो कि आप छोड़ देते हो उस क्वेश्चन को। आप बोलते हो कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता है तो मैं छोड़ देता हूँ। बट ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू राइट समथिंग, कुछ ना कुछ लिखना है, सो दैट यू कैन सिक्योर सम स्टेप मार्क्स। अगर आपने कुछ लिखा है तो आपको कम से कम एक मार्क्स तो मिलेगा उसके लिए, उनको हम स्टेप मार्क्स बोलते हैं। एक मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ना लिखने से बेहतर है कुछ लिखना। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो कुछ ना कुछ लिखना है, क्वेश्चन को ब्लैंक कभी नहीं छोड़ना है। और अगर आपका क्वेश्चन होगा डिवाइडेड इंटू सेक्शंस, कभी कभी क्वेश्चन के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट अलग होता है सेकेंड पार्ट अलग होता है, या तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ही क्वेश्चन तीन पार्ट्स में या दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, आप क्या करते हो कि एक ही सेक्शन पे जाते हो दूसरा सेक्शन भूल जाते हो। सो आपको क्या करना है, यूअर ऑल द सेक्शन शुड बी कवर्ड। आपको पहला सेक्शन भी करना है, दूसरा सेक्शन भी करना है, तीसरा सेक्शन भी करना है, और इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि उनके मार्क्स डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप पहला पार्ट लिखोगे, अगर क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं आप पहला पार्ट लिखोगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। उन पार्ट्स के मार्क्स डिवाइड हुए होते हैं, आपको खाली फर्स्ट पार्ट के मार्क्स मिलेंगे। सो अगर क्वेश्चन डिवाइडेड होता है सेक्शन में, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो अब हम डिस्कस करेंगे आपके थ्योरी का जो पैटर्न होगा पेपर का वो कैसे होगा। इसमें तीन सेक्शंस होंगे। सबसे पहला जो सेक्शन होगा दैट विल बी सेक्शन ए, वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको चार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चार शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, और आपको चारों में से चारों करने हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द फोर क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन। तो एक क्वेश्चन के आपको मिलेंगे तीन मार्क्स, दैट मींस सेक्शन ए जो शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन होगा, यू विल गेन अराउंड 12 मार्क्स फॉर दिस सेक्शन। उसके बाद सेक्शन बी जो होगा दैट विल बी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन। मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन में इसमें भी आपको चार क्वेश्चंस होंगे, बट देयर विल बी इंटरनल चॉइस इन दिस सेक्शन। मीडियम आंसर क्वेश्चन जो होंगे इसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफली डिटेल लिखना होगा। शॉर्ट आंसर में आपको बहुत शॉर्ट लिखना है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाना है, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, पैराग्राफ्स डिस्कस करने हैं,
और इसमें 4 मार्क्स आएंगे विद इंटरनल क्वेश्चंस। इंटरनल चॉइसेस में आपको यू हैव टू एट अप 2 क्वेश्चंस, 4 में से आपको खाली 2 क्वेश्चंस करने हैं। और उनका फॉर्मेट कैसे होगा, उनका फॉर्मेट होगा क्वेश्चन A1 होगा फ्रॉम यूनिट 1, या आपको वो करना है, या आपको करना है क्वेश्चन 2 फ्रॉम यूनिट 2, या आपको करना है क्वेश्चन 3 फ्रॉम यूनिट 1, और आपको करना है क्वेश्चन 4 फ्रॉम यूनिट 2। दैट मीन्स पहले सेक्शन में आपको 1 क्वेश्चन करना है, दूसरे सेक्शन में आपको 1 क्वेश्चन करना है। आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस यू हैव टू एट अप ओनली 2 क्वेश्चंस, और उनके जो मार्क्स होंगे दैट विल बी 5। 5 मार्क्स होंगे इस 1 क्वेश्चन के लिए, दैट मीन्स इस सेक्शन बी के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन सी होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर में आपको डिटेल और थॉरो आंसर लिखना है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देनी है, आपको सारे पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चंस होंगे विद इंटरनल चॉइस, 2 क्वेश्चंस होंगे इंटरनल चॉइस, बट आपको खाली 1 ही क्वेश्चन करना है इसमें। और ये जो क्वेश्चंस होंगे, 1 क्वेश्चन होगा पहले यूनिट में, और दूसरा क्वेश्चन जो होगा दैट विल बी फ्रॉम द सेकेंड यूनिट। यू हैव टू डू आइदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो जो मार्क्स होंगे इसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, सिंस 1 ही क्वेश्चन करना है इसमें, तो इसमें खाली आप लोगों के लिए 8 मार्क्स मिलेंगे। तो थ्योरी के लिए जैसे कि सब लोगों को पता है कि इम्पॉर्टेंट जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड हैं इस चैनल पे, तब तक आप सब्सक्राइब करके अपने लिए नोट्स बना सकते हो। इसमें ब्रीफली पॉइंट वाइज मैंने नोट्स दिए हैं, आप वो नोट्स राइट डाउन करके अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स या प्रैक्टिकल्स के लिए आपका सिलेबस दिया है, जैसा सिलेबस की कॉपी ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, बट स्टिल आई हैव केप्ट इट हियर फॉर योर रेफरेंस। तो ट्यूटोरियल्स का एग्ज़ाम कैसे होगा आपका, जो कि मंडे को होने वाला है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्शंस। सबसे पहला जो होगा आपकी अटेंडेंस परसेंटेज पे, अटेंडेंस जो आपकी क्लास की अटेंडेंस है उसके लिए डेफिनेट मार्क्स कुछ एक परसेंटेज है मार्क्स की, जिसकी जितनी परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है उसको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नंबर सेकेंड इज़ योर मॉडल, जो आप लोगों ने ऑलरेडी आई होप बनाए होंगे, अगर किसी ने नहीं बनाया है तो ही कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। अभी 1-2 दिन बचे हैं आपको मॉडल बनाने के लिए। सब लोग अपने अपने मॉडल सिक्योर रखेंगे, और उस दिन सब लोग अपने अपने मॉडल साथ लाएंगे, और उन मॉडल्स की इवैल्यूएशन होगी, और उन मॉडल्स बनाने के लिए भी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। और जो 3rd सेक्शन इसमें होगा दैट विल बी वाइवा बेस्ड ऑन योर सिलेबस, जो कि ट्यूटोरियल्स का सिलेबस, प्रैक्टिकल्स का सिलेबस होगा आपको। थ्योरी का सिलेबस के साथ कन्फ्यूजन नहीं करना है, इट विल बी फ्रॉम द ट्यूटोरियल का जो सिलेबस है उसमें से आपको वाइवा होगा। और फिर जो ये तीनों चीज़ें हैं दैट विल बी पूल्ड अप, ये सारी पूल की जाएंगी, ये सारे सेक्शंस के मार्क्स, और उसके बेसिस पे आपके ट्यूटोरियल्स के मार्क्स की इवेल्युएशन हो जाएगी। So this was all about the pattern of your paper and all the things. I wish you all the best for your examinations. तब तक आप videos देखिएगा, videos सारे available हैं यहाँ आपकी description में, या आप playlist में भी जा सकते हो, आप ही के लिए वो videos बनाए गए हैं, और आप अपने लिए notes बना लेना उन from those videos. आप वीडियो को पास डाउन कर सकते हो, उसके बाद आप अपने लिए नोट्स बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।